आज ये वाली चला के देखते हैं, इंफीरियाले। मूमेंट ऑफ ट्रूथ, देखते हैं वजन कितना बढ़ चुका है। 96.2 किलो। जिम देखने के लिए आए हुए थे मैं और अभिषेक। देखने में तो बहुत सुंदर खूबसूरत है, जिम है, नया नया खुला है। इसको डिलीट करना है, इसे जिम में आके करेंगे डिलीट। और जब ज़्यादा गुस्सा आए तो यहाँ से अपन गुस्सा उतार सकते हैं। घर से लड़के आए तो घर में गुस्सा उतारने से अच्छा है यहाँ गुस्सा उतारो। और इधर जुम्मा वगैरह का एरिया है, तो कल से आएंगे। यस, कल से मिलेंगे भाई लोग से। और अगर तो, अगर अब आपने व्लॉग बना दिया है, अब अगर आप नहीं आए तो जनता इंसाफ करेगी आपके साथ। जनता के सामने कमिटमेंट है, इसको कर डिलीट करेंगे। सोच लो, हाँ। कमिटमेंट कर दिए तो कर दिए, कर दिए तो कर दिए। मैं तो आज का वीडियो चालू करना ही भूल गया हूँ, इंट्रो। अरे हाँ। दोस्तों नमस्कार, मैं चिंतामणि जयपुरी, अभिषेक शर्मा आप सबका स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। वीडियो चालू करने से पहले ही लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। हम लोग आए हुए हैं डीकैथलॉन, क्योंकि जिम के लिए जूते अलग से लेने पड़ेंगे। Yes. वो हिमालयन क्या मस्त दिख रही है ना, BS6 है, एक बार देख के आते हैं। चल भाई, हिमालयन का रिव्यू करना है तो ये शोरूम में है ना भाई, वीडियो बनाना है मेरे को। BS6 भी है, BS4 है, लेकिन क्या मस्त दिख रही है ना। हिमालयन का रिव्यू कमिंग सून। यस हां, कब कब चाहिए बताता हूं। और चलते हैं इंटरसेप्टर, इंटरसेप्टर का भी कर देंगे, वो भी ले लो, क्लासिक कॉन्टिनेंटल जीटी, कॉन्टिनेंटल जीटी। सो अच्छा, तेरे शोरूम में है वो सब? नहीं नहीं, जुगाड़ लेंगे। अभी देखते हैं, जूते लेते हैं हम लोग जिम के लिए। 500 रुपए में क्या बुरा है? वाह। डीकैथलॉन आने के बाद मतलब मन बचपना वो हो जाता है, और ये भी ले लूं वो भी ले लूं, मन मचलने लगता है। फिर ये वाला चला था सब, रोलर स्केट्स ये बहुत चला है। गोलू काफी दिन से बोल रहा था कि ऐसा वाला लेना है बोल के। ट्राई कर सकते हैं ना, जब तक पहनेंगे नहीं तब तक समझेंगे कैसे। सही है भाई, कंफर्टेबल तो लग रहा है। बस फिर इसी को फाइनल करें। डन डन डन, कलर भी अच्छा है, ग्रे ग्रे भाई भाई मैच हो रहा है। तो ये शूज फाइनल किए हैं। भैया के साथ जाओ तो कहीं ना कहीं फैंस मिल जाते हैं। मास्क पहनना है, जैसे भाई लोग मिल जाते हैं तो एकदम पावरफुल फीलिंग आ जाती है भाई, एकदम मैं भी तोपू टाइप का लगता है। वो तो भाई कोई डाउट ही नहीं है। नहीं मतलब अच्छा लगता है, भाई लोग मिल जाते हैं तो प्यार देख के। पहुंच गए घर, कल सुबह मिलते हैं 7 बजे। डॉट देख लो, सबके सामने बोल रहे हैं ना, मैं पहले बता दे रहा हूं। प्रॉमिस है तो ना, इसी बहाने सुबह जल्दी उठने का आदत भी लग जाएगा मेरे। अपने लिए इस टाइप से कुछ लेके आता हूँ तो ऐसा लगता है कि यार गोलू के लिए नहीं लिया, गोलू के लिए नहीं लिया, गोलू क्या बोलेगा। दिखाते हैं गोलू को, उसके लिए बाद में लेंगे फिर। मैं नया जूता तो मेरा कब आएगा? ये वो नहीं है जो आ रहा है, ये मैं कल से जिम जाऊंगा तो लिया हूँ। कल से जिम जाओगे? हाँ, कैसा है? मैं भी जाऊँ, पहले मैं जाता हूँ उसके बाद तू चलना। आज लंच में है चावल, दाल, टमाटर की चटनी, लाल भाजी और सलाद। दाल भात टमाटर चटनी देख के मुंह में पानी आ रहा है। पहले मैं भोजन करता हूँ, उसके बाद एक और चीज़ बताऊँगा। पिछले कुछ दिनों से मैं ये वाओ का इम्यूनिटी बूस्टर कैप्सूल भी ले रहा हूँ, और इससे इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है, साथ साथ जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो भी हाई रहता है, और स्किन हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है ये। मेरे को ये बात इसमें अच्छी लगी कि ये 100% वेजिटेरियन है, और ज्योति भी इसको खाती है, रोज़ खा रही है ज्योति, और बिल्कुल डेयरी फ्री भी है। बड़े बुजुर्ग कहते भी हैं कि पहला सुख निरोगी का है और दूसरा सुख माया, जो सांसारिक माया है वो। तो अपनी हेल्थ को पहली प्राथमिकता पे रखना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप भी अपना ध्यान रखिए। विवेक अभी फोन किया था कि उसको पावर बैंक की जरूरत है, उन लोग आज रात को लद्दाख निकल रहे हैं, विवेक और विनायक भाई। नमस्कार। नमस्कार, लीजिए अपना मोबाइल चार्ज करिए, GoPro चार्ज करिए, बढ़िया बढ़िया वीडियो बना के डालिए। और विनायक भाई
आज से मैं भी जिम चालू किया हूँ, मेरा भी कुछ दिन में ऐसा होने वाला है। ये डाउन हो गया थोड़ा सा, आने के बाद बनाऊंगा। आप दोनों को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। दोनों भाई लोग जा रहे हैं लद्दाख, अच्छे से घूम के आना। मेरे को जाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन सर्जरी हुई है उसकी वजह से डॉक्टर मना कर दिए हैं कि अभी मैं इतनी लंबी राइड नहीं कर सकता। मन तो बहुत कर रहा है, मैं सोच रहा हूँ डॉक्टर को बिना बताए छुप के निकल जाऊं। और भैया का ये वर्ड है 4 दिन पहले का कि हर बाइकर के लिए वो मक्का मदीना है। वो तो है ही, मेरा बस चले तो मैं तो हर साल जाऊँ, हर साल। थैंक यू। सो ये थे हमारे विनायक और विवेक भाई, दोनों निकल रहे हैं लद्दाख के लिए। मन तो मेरे को भी बहुत कर रहा है, क्या पता कुछ दिन बाद मैं भी निकल लूँ। सो इधर ये ऑनलाइन क्लास हो रहा है, गोलू लेक्चर सुन सुन के बोर हो गया क्या गोलू? इसलिए सो के पढ़ रहा है। पढ़ ले गोलू, पढ़ ले थोड़ा सा। 3 और बचा है। कितने बजे तक चलेगा? 3। पहले क्या मस्त स्कूल जाते थे तो बढ़िया दोस्तों के साथ खेलने का मौका मिलता था, ग्राउंड था, अब कुछ नहीं है ना गोलू। दोपहर के 3:42 हो रहे हैं, अभी मैं जा रहा हूँ बैनली शोरूम। बाइक काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई है, बहुत दिन बाद निकाला हूँ मैं अभी इसको। बैटरी तो नहीं उतर गई होगी, स्टार्ट करके देखते हैं। क्या बात है, हमारी लाल परी एक ही सेल्फ में स्टार्ट, काफ़ी दिन बाद स्टार्ट कर रहा हूँ। जबकि मेरी सर्जरी के बाद से मैं बाइक चलाना थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ। एमरजेंसी में जाना होता है तो मैं जुपिटर में चले जाता हूँ। आज जुपिटर में पेट्रोल नहीं था तो मैं ये वाली गाड़ी उठा ली। अब मन भी कर रहा था मेरे को इसको चलाने का। लॉन्ग राइड बोलेंगे तो एक दिन मैं बिलासपुर गया था इसमें, यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर है बिलासपुर, आना जाना 200 किलोमीटर। अगर डॉक्टर साहब परमिशन दें तब तो मैं कल के कल लद्दाख निकल जाऊँ। वैसे मैं एकदम फिट महसूस कर रहा हूँ, मेरे को कोई पेन वगैरह फील नहीं हो रहा है, बट डॉक्टर है उनकी बात भी माननी पड़ेगी। लेकिन अगर बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं चले जाऊंगा लद्दाख। मैं पिछले 2-3 साल से वेट कर रहा हूँ कि इस साल जाऊंगा, हर साल कोई ना कोई इशू हो जाता है, और अगर इस साल भी नहीं जा पाया ना तो फिर एकदम तड़प जाऊंगा मैं। देखते हैं क्या होता है, अगर हिमालय की कृपा होगी, लद्दाख की कृपा होगी, शिव जी की कृपा होगी तो बिल्कुल लद्दाख जाने का मौका मिलेगा इस साल। ये हम लोग पहुँच गए बैनली शोरूम, यहाँ एक मीटिंग है मेरी। ओहो क्या लग रही है TRK, सुंदर। इन सब बाइक्स का भी अपन बनाएंगे रिव्यू, बताइएगा अगर इनका रिव्यू करना हुआ तो। मीटिंग हो गई और मीटिंग काफ़ी सक्सेसफुल रही, और मेरे को मन कर रहा है कि इन 3 में से एक बाइक ट्राई करूं, चला के देखूं। आज ये वाली चला के देखते हैं, इंफीरियाले। और ये है हमारे तरुण भाई। एग्जॉस्ट नोट बहुत बढ़िया लगा मेरे को, बेस से भरा हुआ एग्जॉस्ट नोट है इसका। बैनली शोरूम में तरुण भाई से बढ़िया जान पहचान है मेरी। मैं काफ़ी दिन से सोच रहा हूँ कि बैनली लाइनअप में जितनी भी बाइक्स हैं, इंफीरियाले है, TRK है, इन सब का रिव्यू वीडियो शूट करूँ। तरुण भाई बोले भी थे कि कभी भी आके शूट कर लेना करके। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके बताओ, बैनली की कौन कौन सी बाइक का रिव्यू वीडियो आप लोगों को चाहिए, करते हैं फिर। आजकल रिव्यूज़ बनाने में बड़ा मज़ा आ रहा है, रिव्यूज़ बनाने के बहाने नई नई बाइक्स चलाने का भी मौका मिल जाता है। चला जाए, मीटिंग सक्सेसफुल रही बैनली के साथ में। शादियों का मौसम चल रहा है, हमारे मोहल्ले में कोई शादी हो रही है, आप लोगों को बाजा सुनाई दे रहा होगा। पता नहीं क्यों ये वाला बाजा सुन के थोड़ा सा नाचने का मन करता है। आज का दिन बहुत अच्छा रहा, और बोलूं कल से तो मैं जिम जाऊंगा। मैं भी जाऊंगा, मैं तेरे को भी ले जाऊंगा थोड़ा सा। और अभी एज कितना है, 13 ईयर्स ना। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस एज में जिम जाना सेफ़ है क्या, या फिर किस एज में जा सकते हैं। मेरे को ऐसा लगता है बेटा अभी से तू वेट लिफ्टिंग करेगा तो थोड़ा सा हाइट बढ़ना कम हो जाएगा। इतना तो हाइट है। सो एक्सपर्ट ओपिनियन दीजिए कमेंट सेक्शन में। और लास्ट वीडियो में जो आप लोग सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह देखे थे ना, वो सब कौन लिए थे? मैं लिया था सारा कुछ लिए थे। बहुत तारीफ हुआ बेटे तो उन शॉट्स का। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं, आई बटन में लिंक दे रहा हूँ। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। राइड सेफ, ऑलवेज वेयर हेलमेट। जय हिंद, जय भारत।